हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बकलावा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये मैं बहुत ही आसान तरीके से हम परफेक्ट बकलावा कैसे बना सकते हैं उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। इसमें डालने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये फिलो शीट, ये पेस्ट्री शीट भी कहा जाता है, फिलो शीट भी कहा जाता है, ये हम लेंगे। और इसमें डालने के लिए मैंने ये पिस्ता, आलमंड, बादाम और कैशू नट, काजू, ये तीनों लिए हैं। और इनको मैंने थोड़ा मोटा भी रखा है और ये तीनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बारीक किया। ये पिस्ता है और ये काजू है और ये बादाम है, ये बादाम बारीक पीस के रखे हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने एक ये बटर, इसको थोड़ा सा गर्म करके पिघला लिया है। इसको मैं शीट पे लगाऊंगी। और एक कटोरी मैंने पानी की ली है और आधी कटोरी पानी की है और एक कटोरी चीनी की। आप चाहे अगर चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी डाल सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा कम चीनी प्रेफर करते हैं। तो जितनी चीनी हो उससे आधा पानी आपने लेना है। और उसमें पानी में ये एक हम फांक छोटी सी ये पानी में डालेंगे और ये पानी हम सबसे पहले हम ये जो हमने बटर लगा के ये फिलो शीट बिछाई है इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये जो हमने पिस्ता ये पहले हम पिस्ता पिस्ताचू ये हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये कैशू नट, ये काजू, ये स्प्रिंकल करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई एक ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, पर मैंने ये तीनों डालने ज़्यादा प्रेफर किए हैं क्योंकि थोड़ा और अच्छा, हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो ये सारा मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है। ये मैंने सारा ऊपर स्प्रिंकल किया है। अब इसके ऊपर मैं ये फिलो शीट ये और बिछाऊंगी। अब इसके ऊपर ये हमने ये शीट बिछाई है, फिलो शीट है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाला है, उसके ऊपर ये फिलो शीट बिछाई है। अब इसके ऊपर फिर से हम ये बटर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये जो क्रश है ये थोड़ा सा डालेंगे। तो
और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट क्रश किया है उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर भी मिक्स की है ताकि ऐसा ना हो कि अंदर से हमारा बिल्कुल फीका लगे। और ये मैंने पिस्ता डाला है, अब ये मैं काजू डाल रही हूँ। पहले हमने थोड़ा सा मोटा काटा हुआ था वो डाला है, अब मैं इसके ऊपर ये बारीक डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये बादाम वाली जो बारीक हमने बादाम पीस के रखा है वो डाल रही हूँ। इसको फिर हम फिलो शीट से ही कवर करेंगे। अभी ये मैंने फिलो शीट एक और भी छाई है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर भी हम वैसे ही बटर लगाएंगे जैसे पहले लगाया है। ये जैसे बटर बिछाया है, अब बटर इसके ऊपर लगाया है, अब फिर से हम इसके ऊपर ये डालेंगे। और ये पिस्ता, ये थोड़े से काजू का जो बारीक हमने पीसा था, सबसे नीचे हमने थोड़ा सा मोटा ड्राई फ्रूट लगाया है। अब इसको हम पहले से ही अवन में रख, अवन हमने करना है सबसे पहले 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए करेंगे, फिर हम इसको 110 पे करके 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे। और हम ध्यान रखेंगे कि ये कितना हुआ है। अब इसको हम पहले से निशान लगा लेते हैं क्योंकि बाद में काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हीटर से करेंगे ताकि हमारा प्रॉपर निशान लग जाए। ये हमने निशान लगाए हैं, अब दूसरी तरफ ये हम अवन में रख रहे हैं। ये मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है और अब 180 डिग्री पे, और हम पहले 15 मिनट करके देखेंगे, अगर हमें और ज़रूरत हुई फिर हम 10-10 मिनट करके बढ़ाएंगे। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कर रही हूँ। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ और 15 मिनट बाद हम थोड़ा चेक करते रहेंगे कि इसको और कितनी ज़रूरत है। ये मैंने एक हिस्सा चीनी और आधा हिस्सा पानी
डाल के उबलने के लिए रखा है, और ये नींबू की एक फांक डाली है ताकि हमारी ये जो शुगर है उसमें क्रिस्टल ना बने। अभी मैं जब होती है तो आपको दिखाती हूँ। ये हमारी शुगर मेल्ट हो गई है और पानी में क्रिस्टल ना बने इसकी वजह से हमने ये लेमन की एक ये स्लाइस सा डाला था ताकि हमारी शुगर क्रिस्टल ना हो। ये हमने पहले तो इसको 15 मिनट के लिए रखा है और फिर हम देखेंगे कि इसको और कितना टाइम चाहिए, फिर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट जब होता है तो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारा बन के तैयार है। अभी मैं बाहर निकाल के इसमें चाशनी डालूँगी। हमने ये अपना ओवन बंद कर दिया है, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसी हीट में रहने देंगे। हमारे टोटल 25 मिनट्स लगे हैं इसको बनने के लिए और 180 डिग्री पे। तो अभी हम थोड़ा सा इसी में पड़ा रहने देते हैं क्योंकि अभी हमारा ओवन गर्म है, थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए तो फिर हम निकाल के इसके ऊपर चाशनी डालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इस पे ये पहले तो ये लेमन का जो हमारी डाली है इसको बाहर निकाल लेंगे। और अब ये हम अपनी शुगर इस पे स्प्रिंकल करेंगे। आप अपने हिसाब से देखना कि कितना आपने बनाना है, उसके मुताबिक आप जितनी चीनी लेंगे उससे ज़्यादा पानी और ये लेमन डालना है थोड़ा सा। चाहे आप लेमन जूस थोड़ा निकाल के डाल लो, पर वैसे फांक डालो तो और भी ज़्यादा ये सही रहता है। और मैं ये सारा इसमें शुगर सारा सिरप इसमें लग जाएगा। ये सारा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब ये थोड़ी देर बाद ये सारा शुगर इसके अंदर चला जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ये मैंने बकलावा आपको निकाल के दिखाया है, तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाने में, और जिस तरीके से मैंने बतलाया है बड़ी आसानी से। और इसको बनाने में 25 मिनट लगे हैं, 15 मिनट पहले 10 मिनट बाद में। और अगर आपको ये मेरा बकलावा की रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं और भी आगे आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।